वर्ल्ड एड्स डे पर यूं तो कई काम एड्स पीड़ितों के लिए किए जाते हैं, लेकिन इस बार एड्स नियंत्रण समिति ने एड्स पीड़ितों को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार से जोड़ने की तैयारी की है। देखें खास रिपोर्ट। वर्ल्ड एड्स डे पर हुए आयोजन में समिति द्वारा एड्स पीड़ित मरीजों को रोजगार से जोड़ने का संकल्प समिति ने लिया है। साथ ही अब जेलों में भी बंदियों की एड्स की जांच की जाएगी। जानकारों की माने तो 2 साल के अंदर जेलों में 800 कैदी एड्स से पीड़ित हो चुके हैं। समीक्षा जो हमारी रिव्यू हुई उसमें ये बातें निकल के आई, जेल में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कोई बंदी आया, कोई 3 दिन में छूट जाता है, कोई 4 दिन में, कोई 1 हफ्ते में, तो 100% की जांच नहीं हो पाती। जेल में अलग से जांच की सुविधा अभी तक नहीं थी। हमारे जो सरकारी अस्पताल में हैं उन्हीं में जांच की सुविधा रहती है। अब बंदी उस जो जांच जहां होती है ICTC केंद्र बोलते हैं, बंदी के वहां तक आने की बंदी को छूट रहती नहीं है, तो इसलिए जो है हमने विशेष उसमें फोकस किया है। और अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर ही हमने जेल के ऐसे कर्मचारी जो फार्मेसी पास हैं उन्हीं को टेस्टिंग का अधिकार दे दिया है। तो इस तरह से अधिकांश जेलों में तो जेल के कर्मचारी ही टेस्टिंग कर पाएंगे। जहां पे ऐसे कर्मचारी नहीं हैं वहां पर हम जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे ब्लॉक वाले अस्पताल हैं, CHC हैं, उनसे उनका मैपिंग कर रहे हैं कि कौन से जेल या सब जेल में कौन से अस्पताल की टीम जाएगी। तो इस तरह से हम 100% एक मुकम्मल व्यवस्था जेल के कैदियों के टेस्टिंग की हम कर रहे हैं। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये कह पाएंगे कि हमारी 100% कैदियों के टेस्टिंग की व्यवस्था हो गई है। जानकारों की माने तो एड्स नियंत्रण समिति द्वारा अलग दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए एक सर्वे भी किया जा रहा है। फोकस वाले एरिया पर रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। जिनमें संक्रमण का दर ज्यादा रहता है इनको हम सेचुरेशन अप्रोच से काम कर रहे हैं। यानी हम ये नहीं कहते कि हमने 1,000, 10,000, 20,000 लोगों को मुक्त कर दिया या उनका टेस्ट कर दिया। हमने हर व्यक्ति को हमने पहचान कर ली, हर हाई रिस्क ग्रुप को हमने पहचान कर लिया। हम उसको जो है सारी सुविधाएं, उनको जो सेवाएं हैं जो हमारे एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा दी जाती हैं वो हम उनको दे पाएं, इस दिशा में काम चल रहा है। अभी सौभाग्य से अगले 3-4 महीनों में नाको इसका सर्वे भी करा रहा है, PMPSC उसको बोलते हैं। उस सर्वे में ऐसे पॉकेट्स, ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान हो जाएगी जहाँ पर ये हाई रिस्क ग्रुप, चाहे फीमेल सेक्स वर्कर हों, चाहे हिंजड़ा ट्रांसजेंडर या जो ड्रग लेने वाले या माइग्रेंट वर्कर, ये जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं इनकी पहचान अगले 3-4 महीनों में इनके पॉकेट्स की हो जाएगी। तो उससे हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे जिसमें कि हम हर 100% HRG को कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो है कुछ बहुत फोकस वाले एरियाज हैं जिनमें हम रणनीति बना करके काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 साल में इसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा जो हमारे गैप्स हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एड्स नियंत्रण समिति द्वारा एड्स की रोकथाम के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।